बच गया पिघुल, बिछ गई चुनावी बिसार, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार सत्ता के सबसे बड़े रण। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज देख सकते हो कि मेरे साथ में जो शख्स जुड़े लगभग इनको अचलपुर शहर के लोग सभी पहचानते हैं, जो के TNN24 के चीफ एडिटर है रियाज शेख साहब। चुनाव को लेके तो आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे किस अचलपुर के लोगों का रुझान किधर दिख रहा है? देखिए, चार पार्टी हैं जिसमें अलग अलग हैं सभी, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं खासतौर से कहूंगा मुस्लिम समाज की जो लोग हैं ना, वो कशमकश में है कि वो किसे वोट दें, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को जाना जाता है। और आज का इसका जो आज का मतलब, अगर मैं अभी का करण अगर आपको बताऊं कि क्या चल रहा है, तो बलवंत वानखड़े जी जो है वो ज़्यादा रुझान मुस्लिम समाज का उसके तरफ दिख रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं नवनीत राणा की अगर बात करूं, तो नवनीत राणा ने आपने देखा है कि वो बीजेपी में तो शामिल है, उसके बाद में कहीं मुसलमानों के विरोध में उन्होंने कई ऐसे अपने बयान को रख दिया कि जिसकी वजह से मुस्लिम समाज बिल्कुल बुरी तरह से नाराज़ है। और यह बच्चू गढ़ू की बात, यानी कि बूब दिनेश बूब जी की बात अगर मैं बात करूं, तो ठीक है, वहाँ उनका जो कोठा है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बलवंत वानखड़े जी एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बलवंत वानखड़े को यानी कि कांग्रेस को वोट दे दें, ये नहीं कहूँगा, आपको जिसको अच्छा लगता है दे, लेकिन मैं अगर मुस्लिम समाज का अगर रुझान बताऊँ तो 101% यही रुझान है कि बलवंत वानखड़े को काफ़ी लोग करने वाले हैं। लेकिन आपका अचलपुर एक बहुत बड़ा बहुमत इलाका है, तो यहाँ पे जो मतलब हीरो जो माना जाता है बच्चू बहु कड़ू, काफ़ी लोकप्रिय यहाँ के आमदार है और उन्होंने ही सीट खड़ी की है, तो यहाँ के लोगों का रुझान ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं बच्चू बहू को देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चू बहू को देना चाहिए, या ये भी नहीं कहूँगा कि मत दो, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। बच्चू बहू चार बार विधायक रहे, मैं बच्चू बहू से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अचलपुर विधानसभा क्षेत्र है इतना बड़ा, यहाँ से आमदार जाता है चुनकर, ठीक है, लेकिन रोजगार की बात कभी कर रहे हैं इन्होंने? अचलपुर में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कोई उद्योग नहीं है, तो आप किस किस मुद्दे पर आपको चुन के लाके देंगे यहाँ की जनता? मैं ये नहीं कहूंगा कि ना दे, लेकिन अगर आपके पास अगर कोई मुद्दा है भुनाने के लिए, या इसमें अभी तो आजकल फिनेल मिल को मुद्दा बना दिया गया है, एक एक नेता फिनेल मिल को बंद कराता है तो दूसरा नेता फिनेल मिल को चालू कराता है, उसी को भूनना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमें अचलपुर के विकास की बात करें, अचलपुर की रोजगार की बात करें, अचलपुर के विकास की बात हो पूरी तरह से, तो उसी को चुनकर लाए, ना कि चेहरे की कोई जरूरत नहीं हमको, हमको किसी भी चेहरे की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद एक यहाँ का वोटर हूँ, मुझे हक है इस बात का और बोलने का हक है कि हम उसी को वोट दें जो अचलपुर की विकास की बात करें और रोजगार की बात। लोगों का बताना ये भी आया कि यहाँ पे बच्चों को जिस तरीके से मतलब चार साल से उनको चार बार से चुनके लेकर आया, विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पे, रेलवे जो है बलगांव के लिए लाइन चालू होनी चाहिए थी, एक लोगों का रुझान ये भी आया बताना। और सबसे बड़ा मुद्दा तो लोगों को बताना ये आया कि जहाँ पर 10,000-5,000 लोगों के पॉपुलेशन का जो गाँव है वहाँ पे भी एक बस स्टॉप बना हुआ है, लेकिन आपके अचलपुर शहर में एक बस स्टॉप भी नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था कि 1.5 लाख की आबादी है अचलपुर की, 1.5 लाख की अचलपुर की आबादी, विधानसभा क्षेत्र तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं है ना, उतना अचलपुर में ही है 1.5 लाख की आबादी में। देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा अचलपुर विधानसभा क्षेत्र है, अचलपुर है, 1.5 लाख की आबादी है, बस स्टॉप नहीं है, शकुंतला कैसी भी चलती थी यहाँ वो भी बंद कर दी गई है। अब बाकी के मुद्दे तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वगैरह वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर आमदार ईमानदारी से अगर काम करे बच्चू वो भी तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने पूरे चार बार चुन के आने के बाद कुछ भी नहीं किया, ये मेरा दावा है। लोग अभी इस बार ना राजनीति इस तरीके के स्टर्न होंगे, यहाँ पे समाज की बात होंगी, लोग इस तरीके से झांसे में नहीं आएंगे, सिर्फ विकास की बात होंगी, जो रोजगार की बात करेगा उसको लोग पब्लिक वोट देगी।